देखिए आज समस्या मैं आपको दिखा रहा हूँ कि छाता लगा के मैं निकला हूँ, बारिश हल्की हल्की हो रही है, देख रहे हैं सड़क सूखा हुआ और ये इधर गीला, और ये आप इसकी कंडीशन देखें कि आज एक हफ्ते से ये न खा रही पी रही है, लेकिन उठा उठा गर्दन पटकती है। 300 रुपये की एक बार मैंने दवाई पिलाई है इसको एक दिन में, कि लगेगा कि उठ के बैठ जाएगी। तो ये भीषण समस्या, देखिए गोबर भी सही है खाती है, लेकिन गर्दन उठा के उसी घास बिछा दिया पटक देती है। न ये मर रही हैं न ये जी रही हैं। अब अभी अभी बारिश हो रही है, एक घंटे पहले इटली से दलजीत सिंह साहब का पैसा आया। अब वो बेचारे, हमको लगता है सीधे साधे आदमी, वो मनी ग्राम अकाउंट ग्राम के चक्कर में पड़ गए, वो 600 रुपये उनके कट गए, ये बिल्कुल अंधेर खाता है। तो अकाउंट नंबर पूछे हैं तो हमने कहा अकाउंट नंबर कोई खोलेंगे तो देंगे हम। तो अभी अभी उनका पैसा आया। उधर फरीदाबाद से हमारे जो उनके दोस्त हैं, क्या नाम, मंगला साहब के, उनका नाम उन सब पर्चे में लिखा रखा है, उनके उनके बच्चे के नाम से अभी भोज भी करना है जा कर के। तो मैं यही दिखा रहा हूँ, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ इस समाज से कि ये आप लोग मंदिर क्यों जाते हो, मंदिर वाले बाबा से आप लोग क्यों नहीं पूछते हो कि बाबा जी आप जो कर रहे हैं कि क्या गीता में लिखा हुआ है, ये जो एक बाबा श्याम साधु कर रहा है, आप लोगों को हाथ बटानी चाहिए ना। हम अकेले, हम या हमारी बेटी, एक लेबर रखो तो यहाँ का यही है ना कि गरीबों को वो गरीब गरीब गरीब, अब उनको 2 रुपये 3 के में चावल मिल रहा है, वो क्यों आपके यहाँ काम करने आएंगे, वो क्यों काम करेंगे। तो सवाल ये है कि मैं 80 साल एक कम 80 का हो रहा हूँ, तो कहने का मतलब कि हम भी तो इंसान हैं। अभी सुबह से हजारों पेड़ पौधे में मैं अंदर लगा हुआ था, भीतर पौध हटाना बढ़ाना। अब आने वाले समय में जल्दी ही हो सकता है यहाँ मार्केट और बिल्डिंग बने, ताकि वो बेटी लोगों के आमदनी होगी, उनका काम चलेगा, और लाखों रुपए अब तक वो लोग हमको दे भी चुकी हैं, तो इसीलिए मैंने उनको सब कुछ दे रखा है। तो हमको कोई ज़रूरत नहीं होती है कि बाहर से पैसा आवे तभी हम काम करें। अरे अभी रतन मेहता जी ने शुरू किया था, कभी महीना 2-4 महीने की बात होगी, उसके बाद में फिर लोग जुड़ने लगे। तो हमारा मतलब है कि लोग जुड़ो, खूब पता लगाओ, और इस ढंग से एक सिस्टम से पैसा भेजो। ये देखिए, ये देखते जाइए देखते जाइए, आप ये देखिए, ये देखिए, अब ये देखिए, ये देखिए, ये खांसी आ रही क्या। कल इनका टेम्परेचर भी देखा गया तो टेम्परेचर भी नहीं था। तो एक सिस्टम लोग बना लो, एक मेंबर इसके बनो, सोचो कि एक नियम से हम पैसा भेजेंगे, तो एक कोई परमानेंट आदमी रखना पड़ेगा। परमानेंट रखने में भाई ज़्यादा पैसा देना होता है। तो बड़ा भयानक समाज हमारा, लोग कहते हैं गरीब, जो कोई गरीब की बात करता है ना तो लगता है कि उसके, यह देखिए, देखा आपने, ये इसका कंडीशन है। इसी तरह खांसती है फिर धड़ाम से गिर जाती है, पता नहीं फेफड़े में दर्द है कहाँ दर्द है। अब इनको बताइए उठा के हम अंदर कैसे ले जाएं। अंदर पूरी व्यवस्था बनी है, बालू बिछा हुआ है, इसके बाद अभी बंदर भोज के लिए निकलेंगे। तो अब उसी में लोगों का कहना है कि बाबा वो मेरे नाम से कर देना, मेरे नाम से कर देना। तो बाबा एक आदमी कहाँ तक मरेगा, हमने जिसको उठा भाई, अच्छा मान लीजिए हम करेंगे, कैमरा वहाँ कौन बनाएगा, वहाँ पर कौन देखेगा। तो ये अजीबोगरीब कंडीशन है, डॉक्टर लोगों से कोई मतलब नहीं, उनके कहीं हरी घास जो है ये लेबर ने छील के रखा है। आज एक लेबर आया था 2-3 घंटे के लिए। तो एक नमूना मैं आपको दिखा रहा हूँ, बताइए अभी इस बारिश में अब हम ये देखिए, अब हॉस्पिटल से संपर्क करेंगे, आज हम कैसे बंदर भोज के लिए पहुँचेंगे, कैसे मैं उनके लिए अरदास करूँगा, एक आदमी कहाँ तक जाए, कहाँ तक करे, एक करना बड़ा मुश्किल, बड़ी भारी समस्या है। तो मैं वाणी को विराम देने के पहले यही सोच रहा हूँ कि
कोई आदमी नहीं। अरे यहाँ तो जितने पूजा करने वाले लोग हैं, हिंदू लोग हैं, उनको यहाँ आना चाहिए। हर आदमी आवे, डॉक्टर आवे, डॉक्टर को लेके हमें तुरंत इसको फिर से देखवा। हमें ना डॉक्टर को दिखाना है तो श्याम साधु, अस्पताल जाना है तो श्याम साधु, बंदर खिलाना है तो श्याम साधु, अरदास लगाना है तो श्याम साधु। अरे श्याम साधु कोई 10-12 हाथ वाला कोई रावण तो है नहीं कि भैया हमारे 10 सर हैं, एक सर हमारा सो रहा हो, आराम कर रहा हो, तो हमारा दूसरा सर काम कर रहा हो। एक समाज, एक अंधे समाज का मैं नमूना बताता हूँ कि मेरा समाज कितना अंधा है, कितना अंधा है कि मैं कह नहीं सकता हूँ। एक नमूना मैं इसीलिए मैं दिखाता हूँ। ये दिखा करके मेरा कोई धंधा नहीं है कि ये देखो पैसा चढ़ाओ यहाँ करके, नहीं। जितने लोग हमारी मदद कर रहे हैं हमने कभी किसी से नहीं मांगा। और लोग भेजते हैं, भैया थोड़ा भेजना, आप एक दूसरे का मोबाइल नंबर ले लो, आप दूसरे से जानो, भैया थोड़ा भेजना ताकि हम उसको इसी में खर्च कर सकें। लेकिन लगातार आएगा तो एक आदमी के लिए सोचेंगे, कोई आदमी नहीं। अगर हम बंदर के लिए भी आदमी को भेजेंगे वो ढंग से नहीं खिलाएगा, इसमें तो भाई चलो उल्टा सीधा अपना कर लेगा। लेकिन बंदर खिलाना जो है, बंदर सबसे खाते भी नहीं ठीक से, और लोगों को भय लगता है ना, तो इसलिए लोग दूर फेंक फूक के चले आते हैं। तो देखिए अब यही कंडीशन चल रही है। कैल्शियम, कल कैल्शियम भी चढ़वाएंगे, और ये कंडीशन अभी डॉक्टर को बताना है जा करके। तो कहाँ कहाँ जाएँ, किधर जाएँ, शाम के समय 3:30-4 बज रहा है। जय सिंह सेंगर साहब जहाँ मैं कल गया था, आज वो काम पेड़ लगवा रहे हैं, तमाम वृक्षारोपण करवाएंगे। उन्होंने हमको बुलाया एक जगह, यहाँ राणा बेनी माधव में आज दीपदान का कार्यक्रम है। खैर मैं तो वहाँ से रोज़ गुजरता हूँ, मैं उनको प्रणाम कर लेता हूँ, हमको कोई नाटक की ज़रूरत नहीं है। लोग इकट्ठा होंगे दीपदान जला में, बड़े बड़े लोग हैं भाई, गए अपना दीपदान किया, आगे घर में एसी में बैठेंगे, और हम किस एसी में बैठे, हमको तो ये पंखा भी नसीब नहीं है कि पंखा के नीचे मैं बैठ जाऊँ। टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है। अब इतना सा दिन भर मैं पेड़ में लगा था। दलजीत सिंह साहब का जब फ़ोन आया तो हमने सोचा भैया ये बार बार फ़ोन आ रहा है, पहले पैसा आया खट से निकल गया, इनमें इतनी दिक्कत क्यों आ रही। लेकिन वो बेचारे नए आदमी, बहुत सज्जन आदमी, हालांकि उनकी तरफदारी रतन मेहता साहब ने किया, कहीं नहीं नहीं बाबा जी वो पंजाब का आदमी ऐसा हो ही नहीं सकता। हमने कहा साहब बार बार फ़ोन आता है, वो नंबर गलत बता दिया हो, हम परेशान हो गए, कहीं नहीं नहीं कोई गलती हो गई होगी, तो इसलिए हम दलजीत सिंह साहब से माफ़ी चाहेंगे। और हम ये देखिए झोला भी रखा हुआ है, आप ये देख लो, अभी जाना तो है, ये बंदर भोज तो रुकेगा नहीं, दो कार्यक्रम मैं छोड़ दूँगा। और आज के भोज का मैं कार्यक्रम का कैमरा देखे ये मंगला साहब मैं नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि देख रहे हैं छाता रखा है, एक हाथ में कैमरा, एक हाथ में इतने सारे बंदर। ये देखिए ये सब तैयारियां हो चुकी हैं, ये झोले के अंदर ये देखिए चने रखे हुए हैं, इस झोले बोरी में काफ़ी सामान है। ये देखें क्या इसमें भी काफ़ी चना है, दो जगह हाँ काफ़ी चना हो गया, इसके नीचे रोटियां हो गई, इसी में हम 2-4 रोटी अपने घर से डलवा देते हैं, कटहल भी रखा है 2-4। तो ये है गाड़ी खड़ी है, भी ला देंगे, भीगते हुए जाएंगे। अब भीगते हुए में कैमरा लेके तो मैं जाऊंगा नहीं, तो इसलिए मैं कल बनाऊंगा। आज मैं उनके जो मित्र हैं उनका पर्ची रखा हुआ है, वो पर्ची मैं ले लूँगा। और नाम भी बड़े अजीब अजीब से होते हैं भाई हम लोग, हमको तो है कि राम श्याम महादेव कृष्णा हैं ये सब नाम हो, अब बाकी ऐसे नाम बड़े टेढ़े टेढ़े से होते हैं तो याद नहीं रहता है। तो उनके नाम का स्लिप रखा हुआ है, 4 बजे उन्होंने कहा उनके लड़के का भी नाम भेज देंगे, तो 4 बजे मैं उनको भी मिस कॉल दे दूँगा। तो जा ही रहे हैं हमको, देखिए भीगते हुए हमारा बंदर भोज होगा, लेकिन आज वाले भोज का मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि देख रहे हैं दरवाजे छाता रखा हुआ है, पानी बूंदाबांदी हो रही है, हैं और एक बूंद पानी अगर कैमरे में चला गया तो हम तो गए काम से। तो इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया, मैं अब थोड़ी देर में निकलने वाला हूँ, दो कार्यक्रम मैं छोड़ रहा हूँ आज, वो वृक्षारोपण में और कहाँ कहाँ जाना, कैमरा लेके हम काम नहीं जा पाएंगे। शाम का समय है, वहाँ से लौट के आएंगे तो हम भी आराम करेंगे। सुबह से मैं जुटा था इसी काम में, सब देखिए वो फावड़ा रखा है,
फावड़ा चलाए, हम भी चलाए, लेबर ने चलाया, क्यों यहाँ सब्जी उब्जी बोने के लिए तैयारी करनी है, एक आध साल सब्जी और खा लें, बाकी गार्डन वार्डन सब अब हट जाएगा, सब पेड़ों को मैं दान में दे दूंगा लोगों को। और हमारे नाम से एक वाटिका, देखिए कल ही मैंने घोषणा किया और कल ही यहाँ बिल्डर आ गया और उसने कहा कि अरे बाबा जी इस आपको इससे 2 रुपए भी तो नहीं मिलते हैं और बल्कि आपके घर से जाता है आए? और लोग आपको चंदा देते हैं तब आप इस काम को करेंगे तो क्या ज़रूरत आप किसी से चंदा मांगें, यहाँ तो इसमें करीब करीब 90-100 फ्लैट बन जाएंगे तो आधा तो आपका। तो हमने कहा हमारा क्या वो बेटी का है, बेटी जाने बेटी को मिलेगा, कहने अरे बेटी को मिलेगा जब लाखों रुपए की आमदनी बेटी के पास हो जाएगी तो वो क्यों कहेगी कि नहीं आप बाहर से पैसा ले लो कम करो। हमने कहा नहीं, बाहर का पैसा लेने का मकसद यह है कि जो लोग हमसे जुड़े हैं कुछ उनके नाम से भी तो मैं भला करूं, वो तो बंद नहीं होगा, चाहे हमको कोई 1 करोड़ रुपए दे दे, हमको 10 लोगों के साथ ताकि ना हम इस दुनिया से विदा होंगे और जो हमारे संगी साथी हमारे मदद करने वाले हैं भाई कभी तो संसार से विदा होंगे तो हम लोगों की एक जगह ऊपर मुलाकात होगी, हैं हम लोगों की एक मजार्टी बनेगी और अकेले अकेले पुण्य करेंगे। ओ बाबा ओ बताना मत किसी को, हैं अब छिपा के काम करेंगे तो अकेले भगवान भेज देंगे हमको सोने के महल में कि जाओ बाबा वहाँ बैठो और बैठे बैठे पागल हो जाओ। पूरे दिल्ली शहर में एक आदमी को रखा जाए केवल बस और सारी दिल्ली को खाली करा लिया जाए, वो एक आदमी मर जाएगा वहाँ 24 घंटे के अंदर अंदर, 24 घंटे से ज़्यादा जिंदा रह ही नहीं पाएगा वो। तो मैंने एक एग्जांपल दिया, इसीलिए क्या नाम मंगला साहब क्षमा चाहेंगे, हमने पूरी कंडीशन दिखा दिया। मैं ये देखिए छाता लगा के मैं कैमरा लेके बना रहा हूँ तो इसी कंडीशन में सुबह को जाना था और सुबह टाइम नहीं मिला, लेबर आ गया थोड़ी देर के लिए उसमें लग गए, पेड़ पौधे में लग गए। तो हमको तो पता ही नहीं कि समय नाम की चीज़ है ही नहीं, मेरे भागते रहो चलते रहो चलते रहो। यो अभी जाएंगे वह कार्यक्रम जहाँ हो रहा है, नेता लोग अगर हमको देख लिया अरे बाबा रुको रुको रुको, अब बड़े बड़े लोग रोकते हैं तो रुकना पड़ता है। ये देखिए अब घास इसके नीचे और थोड़ा मोटा कर दें, क्या बता मैं डॉक्टर से राय ले और टेम्परेचर देखवाओ। टेम्परेचर कल आदमी ने देखा कहीं कुछ नहीं, आदमी ने कहा ओके है। अब ये खांसी है कि फेफड़े में दर्द है, कहाँ है क्या है। जो भैया अपना सर उठाओ तो उठाओ सर उठाओ, जो सर पटको इसी के ऊपर पटको, अच्छा न मरने में न जीने में। एक गाय का मैंने नमूना दिखाया, एक गाय में इतनी आदमी को दुर्गत हो जाती है। यहाँ कितने गौशालाएँ चल रही रायबरेली में हैं, 22-22 लाख रुपये उनको ग्रांट आता है। आप वेटनरी हॉस्पिटल से फ़ोन मिलाइए, हमसे नंबर लीजिए, पूछिए ये क्या हमारे समाज में हो रहा है। लेकिन जनता मेरी बड़ी अंधी है, वो नेता हो कोई हो वोट उल्टा सीधा वो दे देगी बस, उसको प्रलोभन दे दो कि हम तुम्हारा महल बनवा देंगे तुम्हारे लिए कर देंगे, वोट देने के लिए तैयार। अब मोदी साहब आए हैं बहुत कुछ सुधार होने की उम्मीद है, कम से कम जानवर बस तो रहें सड़कों पर, कहें ओ बाबा सड़कों में सब गैया, अरे गैया घूम रही हो जिंदा तो है, तो आप क्या चाहते हैं अगर सड़क जिस सड़क पर जाम लगे वहाँ के लोगों को पकड़ करके काट दिया जाए है? उनकी हत्या कर दी जाए, कर दिया जाए भाई है? कि भाई आपके वजह से तो जाम लगती है तो आप लोग ऊपर ऊपर चले जाओ भगवान के यहाँ जाके अपनी गाड़ी चलाओ, तो आपको कैसा लगेगा। तो मैं वाणी को विराम देता हूँ, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं 2-3 बार कहना पड़ता है फिर कोई चीज़ याद आ जाती फिर बोलने लगते हैं। तो हमारे जितने संगी साथी लोग हैं उनको हम हृदय से आशीर्वाद धन्यवाद देंगे। हमारे रतन मेहता हो गए और पीएल मैडम हो गई जालंधर पंजाब की, और क्या नाम वो नितिन राजस्थान के नितिन फूलवानी, ये फूलवानी शब्द मैंने जीवन में पहले सुना है, वरना यहाँ रायबरेली में सिंध समाज में लखमानी हैं नंदवानी हैं चांदवानी हैं है ना, एक धरधर धरधर देखिए सब जवान पर हमारे याद है, फूलवानी सिंध समाज के यहाँ कोई नहीं है। तो जीवनानी भी हैं तो उनको, और हमारे रितेश अवस्थी साहब को पंडित जी दुबई से उन्होंने काफ़ी हेल्प किया हुआ है,
तो अब इन्हीं लोगों को अगर पैसा आता रहेगा इकट्ठा कर करके ये खर्चा भी होगा और कुछ इकट्ठा करके गाड़ी की व्यवस्था करेंगे। गाड़ी होगी तब मैं देखिए असली अरदास अगर देखना है तो भंवरेश्वर में देखिए, वो भंवरेश्वर वो एक बड़ी जागृत जगह है, वहाँ हमेशा मेला लगा रहता है, बड़ी जागृत जगह है वो, बहुत लखनऊ रायबरेली के बॉर्डर पर है। वहाँ बंदरों को खिलाओ, बंदर के बीच में घुस जाओ, वहाँ अरदास लगाओ, फिर वो अपना काम करके दिखाएगा। जितने लोग जुड़े हैं और लोग ज़्यादा जुड़ेंगे तो लोगों से कहेंगे भैया पैसा आप लोग अपने पास रखा करो, हमको ज़रूरत होगी हम आपको बोलेंगे, बाकी अब हमको एक बड़े काम के लिए पैसा चाहिए। या देखिए बार बार सर उठाती है, पटक देती है, पता नहीं फेफड़े में दर्द है क्या है, अभी फ़ोन मिला के डॉक्टर से बात करने जा रहे हैं। जय श्री राम। और हमारे सहयोगी जिन लोगों ने हमने सबका नाम दिया हुआ है उन सबके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जय श्री राम, जय मोदी, जय योगी, जय अमित शाह, जय हिंदुस्तान।